के चीफ मैनेजर बताते हुए ये बताया कि मैं बैंक में नौकरी लगा दूँगा, मेरे को इतने पैसे दिए और बैंक में नौकरी लगाने के बहाने मेरे से 2.5 लाख रुपये ले ली, नहीं तो उसने बैंक में नौकरी नहीं लगाई और नहीं मेरे पैसे वापस दिए। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEE राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख रुपये हड़पने का मामला दर्ज, न्यायालय से मिले इस्तगासे पर आदर्श नगर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। 9 सितंबर गुरुवार को आदर्श नगर थाने में जरिए डाक एक इस्तगासा थाने को प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी जितेंद्र कुमार द्वारा मनीष गहलोत नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। 9 सितंबर को दायर मुकदमे की जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि परिवादी जितेंद्र कुमार को मनीष गहलोत ने बैंक का चीफ मैनेजर बताकर नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर 2.5 लाख रुपये हड़प लिए। इसके बाद ना तो नौकरी लगाई गई और ना ही पैसे लौटाए, जिस पर IPC की धारा 417, 419, 420, 471 में आरोप पंजीकृत कर प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 9/9/2021 को जरिए डाक एक इस्तगासा प्राप्त हुआ, परिवादी जिसमें परिवादी श्री जितेंद्र कुमार है प्राप्त हुआ, जिसने आरोप लगाया कि श्री मनीष गहलोत जो अपने आप को बैंक के चीफ मैनेजर बताते हुए ये बताया कि मैं बैंक में नौकरी लगा दूंगा, मेरे को इतने पैसे दिए और बैंक में नौकरी लगाने के बहाने मेरे से 2.5 लाख रुपये ले ली, नहीं तो उसने बैंक में नौकरी नहीं लगाई और न मेरे पैसे वापस दिए। इस संबंध में परिवाद प्राप्त हुआ था, प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। धारा 417, 419, 420, 400 से 467, 471 में प्रकरण पंजीकृत किया गया है।